Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. सर बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक आई फील ब्लेस्ड कि इतना हार्ड वर्क किया सबने, इतनी मेहनत की एंड बड़ी मुश्किलें भी आई शूट में, बट पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया, चैनल ने इतना सपोर्ट किया एंड आई थिंक ये एक छोटी अचीवमेंट है. बट आगे अभी मेरी विजन 100 की नहीं है, अभी हम बहुत आगे जाएंगे, 500,000 तक, उससे भी आगे जाएंगे. तो बट बहुत अच्छा लग रहा है. आई मीन 100 एपिसोड्स कोई छोटी बात नहीं होती स्पेशली. श्रुति आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. और मेरा नाम श्रुति आनंद है एंड आई एम प्लेइंग रुचिता's कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कैसे बताऊँ, वर्ड नहीं है मेरे पास. और हमने जैसे स्टार्ट किया, जैसे मैम ने अभी बताया, किसी ने नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे. और ऐसे कट टू कट हर दिन रात ऐसे हो रहा था कि पता ही नहीं चला कैसे 3 महीने निकल गए और 100th एपिसोड भी आ गया. लेकिन इतनी मेहनत करते आए हम लोग, तो वी ऑल आर रियली फीलिंग वेरी प्राउड एंड थैंक्स टू द टीम, टू आर सर, डायरेक्टर सर, प्रोडक्शन, एवरीवन. मेरा नाम है आयुषी खुराना. मैं इस मनसुंदर सीरियल में अमृता का किरदार निभा रही हूँ. और 100 एपिसोड्स पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं. इस पूरी यूनिट ने, सारे आर्टिस्ट ने, सब ने बहुत मेहनत की है और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. हमारी TRP भी इतनी ऊपर गई है, इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं. और सारे फैंस को, जितने भी लोग हमें प्यार दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार दिया और इतना ऊपर चढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच. और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे 100 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं और आगे और एपिसोड्स पूरे करने के लिए देखते रहिए आप मन सुंदर. तो आप हमारे सेट पे आओगे तो आपको हर 10 मिनट में कोई फनी मोमेंट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम काम ही फनी तरीके से करते हैं कि पता ही नहीं लगे कि काम हो रहा है. मेरे लिए फ़नी मोमेंट, हाँ मैं बताती हूँ मैं आपको, जब भी हमारा रोमांटिक सीन होता है, जब हम दोनों को एक दूसरे के आँख में देखना होता है, तो हम लोग इतने दिन से सेम चीज़ करते आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे को तब हंसी आ जाती है. तो आप सोचो, एक आदमी है, ठीक है, उसको बोला गया कि आपको इमोशनल तरीके से प्यार करना है किसी लड़की को. अब आप ऐसे गए बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ, आप प्यार कर रहे हो और वो लड़की आपके मुँह पर ऐसा दांत दिखा के हंस दे, तो क्या होगा? ये हमारे साथ डेली बेसिस पे होता है. ये रोज़ गिरती है, रोज ऐसे दांत दिखाती है, फिर कट होता है, फिर दिखाती है, तो 4-5 टेक लेके हम कर ही लेते हैं. फनी तो यहाँ पे बहुत कुछ होता था. जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि रुचिता, हम लोग कोई सीन कर रहे हैं और जब सामने वाले का क्लोज चल रहा है तो हम लोग डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम किसी और को बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट करो, तो तब सामने वाला हंस देता है. तो वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली श्रुति, हमारी रुचिता, ये इस मामले में बहुत फेमस है. वो बहुत हंसती है और वो दूसरों को भी बहुत हंसाती है. और दूसरे मुझे, मेरी फेवरेट है यहाँ पे ऑफकोर्स ऋतु भाभी, जो मेरी बहन है, ऋतु दी, वो भी बहुत ज़्यादा फनी है और वो सबको बहुत हंसाती है. तो उनके साथ जितने भी मोमेंट्स होते हैं सब बहुत हैप्पी और फनी ही होते हैं. नहीं सोचा था, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ फीलिंग वॉज गुड और बहुत पॉजिटिव तरीके से हमने स्टार्ट किया था. इंट्यूशन था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ पता हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और पहुँचना ही था. जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं तो पहुँचना ही था. अच्छा लग रहा है. नहीं हम तो बजरंग दल वाले हैं, हम तो कपल पकड़ेंगे भाई बाहर में. कुछ प्लान नहीं है अभी, वही किसी का जन्मदिन आने वाला है मुझे लगता है, वो बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाएगा. हाँ तो मुझे लगता है यही होने वाला है वैलेंटाइंस वीक, कुछ स्पेशल. वैलेंटाइंस डे में भी हमें छुट्टी नहीं है तो हम आई थिंक एक दूसरे के साथ ही मनाएंगे. हाँ वैलेंटाइन का तो यही प्लान है कि मैं यहाँ पे आके शूट करूँगी, क्योंकि हमें अभी बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है और यहाँ पे पार्टी का सीन भी आने वाला है, तो उस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा. बट लेट्स सी, मे बी आफ्टर शूट डिनर और समथिंग. अच्छे मोमेंट आई थिंक एक सीन आया था साड़ी वाला, वो बहुत एज एन एक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड एज अ परफॉर्मर भी, एज अ व्यूअर भी, कि जिस तरीके से रुचिता ने वो सीन किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. बड़ी रियलिटी थी उस सीन में. एंड आई थिंक बुरा मोमेंट ये था कि ये मेरा टिफ़िन खा जाती है सुबह सुबह, तो वो सबसे मुझे बुरा लगता है कि मेरे पास कुछ होता नहीं है खाने को और इसके लिए अंडे आते हैं, मेरे लिए अंडे नहीं आते सेट में. अच्छा मोमेंट मेरे लिए तो वो था जब मैं खाई से गिरी थी.
तो तब रियलाइज़ हुआ था कि निहार एक्चुअली बहुत केयर करता है रुचिता के लिए. तो और वो एपिसोड भी जिस हिसाब से जिस तरीके से एडिट किया गया था, दैट वॉज़ रियली ब्यूटिफुल एंड आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस. तो दैट वॉज़ द वेरी गुड मोमेंट अभी तक. और क्या कुछ नहीं, ठीक है.